साथियों साथियों राजस्थान के अंदर रीट भर्ती को लेकर हुआ विवाद शुरू फिर से रीट भर्ती के अंदर लगातार पेपर लीक और फर्जीवाड़े मामले सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक लगातार पेपर फर्जीवाड़े सामने आए और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद में बड़े कई खुलासे नाम सामने आ रहे हैं उन नामों के अंदर बोर्ड अध्यक्ष डीपी पी जालोरी का भी नाम आया है और उनकी अब जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है बोर्ड अध्यक्ष डीपी पी जालोरी की होगी गिरफ्तारी एसओजी कभी भी कर सकती है इन्हें गिरफ्तार और रीट एग्जाम भरजवाड़े से जुड़ी खबर के हवाले से यह भी खबर है कि अध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष डीपी पी जालोरी और प्रदीप पार्सवार की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी एस ने इन दोनों गिरफ्तारी के आदेश भी निकाल दिए हैं और रीट भर्ती के अंदर बहुत से फरजवाड़े और उनके अंदर भजन लाल और तमाम जितने भी गिरोहों को पकड़ लिया गया है और पेपर के फरजवाड़े से जुड़ी बहुत सी खबरें सामने आई और पेपर के इतने ज़्यादा फर्जवाड़े को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि रीट भर्ती रद्द हो सकती है और रीट भर्ती रद्द होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत से फरजवाड़े सामने निकल के आए हैं और रीट भर्ती के अंदर बोर्ड के अध्यक्ष डीपी पी जालोरी भी इसके अंदर बिल्ली भगत इनके सामने आई है जो कि अब रीट भर्ती पर बड़ा शिकंजा हो चुका है रीट भर्ती होगी रद्द साथियों और रीट भर्ती से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया जिसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो रीट भर्ती से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी धन्यवाद साथियों जय हिंद वंदे मातरम